I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. पेस्टनजी हैं? यस मैडम। उन्हें बोलो कि न्यूज़ चैनल वाले आए हैं। अरे ये याद है। हेलो। हेलो। लाइट्स। एंड एक्शन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। तो आइए मिलते हैं 15 अगस्त के स्पेशल एपिसोड सिटीजन ऑफ इंडिया के सीनियर सिटीजन से जो हमारे साथ हैं इस वक्त जो स्पेशल हैं मिस्टर पेस्टनजी मेहरवानजी बाटलीवाला। आज जहां इस मतलबी दुनिया में लोग अपने भी पराये हो जाते हैं रिश्तों को भुला बैठते हैं वही आपने पराये लोगों को न सिर्फ अपनाया बल्कि उनको अपनी दौलत का अच्छा खासा बड़ा हिस्सा उनमें बांट दिया। इस उदारता की कहानी आपकी जुबानी हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। एक ऐसा सच जो हर रोज किसी न किसी पेस्टनजी और फारूक शेख जैसे लोगों के साथ होता रहता है। हमारे साथ भी हुआ है। जब हमारी मुंबई में बारिश का पहला दिन था, मतलब कहीं कहीं पानी कहीं कहीं धूप, वैसे ही ये स्टोरी था कहीं कहीं दुख और कहीं कहीं खुशी। और इस स्टोरी का हीरो फारूक टैक्सी, अपना टैक्सी लेके उस दिन रेलवे स्टेशन आया और प्रॉब्लम चालू हो गया। हाँ हेलो। हाँ बोल चब्बो। हाँ कितना हुआ भाई? क्या घर छोड़ जा रहे लिए? जातरी माका नाका मैं भी नहीं आऊंगा तेरे को लेने के लिए। फिर टसुए बहाते हुए वापस मत आना मेरे पास। ओ भाई ये रुकना भाई यार, बीबी दिमाग का झोपड़ा कर रही है, ऊपर से तेरे को जल्दी है यार। कहाँ फंस गया यार? शब्बो तू धंधे के टाइम जो हटा रही ली ना मेरी है? शब्बो हेलो, अरे किसने ये डिब्बा बनाया? इसकी बहन का पति पत्री। हाँ बोल बोल भाई क्या प्रॉब्लम है तेरी है? जिसको तोड़ना चाहिए उसको नहीं तोड़ता है, मोबाइल तोड़ता है, है? पकड़ पैसे ले। ये रुक तेरी माँ का नाका, तेरे को तोड़ के दिखाऊं क्या? भाषण दे रहे ले साला, इसकी हड्डी पसली जोड़ दे भाई। हा? क्या? अरे इसकी तो मैयत निकल गई है फारूक भाई। मैयत? ए फारूक क्या ले जरा। अरे इसकी माँ का नाका, इसको फिर 50 रुपया देना पड़ेगा। आया डार्लिंग, आया। बैठ डार्लिंग के बच्चा इधर आया। अरे बच्चों से दुश्मनी क्या डार्लिंग? नमस्कार। बोला सर। चल टैक्सी हटा यहाँ से, नहीं तो चालान काटू क्या? अरे क्या भूल गए 50 रुपए रात में दिए थे, भूल गए आप? अरे रात गए बात गई, चल टैक्सी हटा यहाँ से, नो पार्किंग है ये। चल 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 निकल। बराबर बराबर बराबर। ए टैक्सी तू भी हटा, चल। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। तेरी तो इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। दिमाग खराब मलाट चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा? आओ बैठो 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 भाई, चल बैठो बैठो। या अल्लाह भर दे फारूक का गल्ला। चलो चलो चलो। 50 का लोबान जला था,
500 का काम हो गया। ये विलियम बीसी और वीजा का काम करने वाला, इसकी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट इसका 10 लाख रुपया लेके भाग गई थी, और ये गधेरा टैक्सी में बैठने से 5 मिनट पहले उस लड़की को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा। हेलो, हाँ टोपी भाई, विलियम बोलता है रे। अबे बोलना है तो पूरा बोल, अकबर टोपी। ये अकबर टोपी भिंडी बाजार का रहने वाला, इस इडियट की वजह से इस स्टोरी में गड़बड़ हुआ। पहले बता क्या हुआ तेरे उस ऑफिस वाले डॉग का, स्टेशन पे मिलेगी नहीं? अरे दिल्ली की ट्रेन जा चुकी है, मैं खाली 15 मिनट लेट हो गया हूँ। अच्छा सुन भाई, साइड देना भाई। क्या है ना अकबर, अगर शर्मिला नहीं मिली तो मेरी बैंड बच जाएगी। प्लीज तू कुछ रास्ता बता, मैं करूँ क्या। अबे मेरे से पूछ के तूने ऑफिस वाली डाव के साथ 24-26 किया था है? बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, धंधे में दोस्ती नहीं करने का, 44 लग जाते हैं। तेरे लग गए। अच्छा पैसे किसके थे पता? बीसी और वीजा वालों के हैं है? अभी सभी मेरी जान खाएंगे। तेरे पास और है कुछ खिलाने के लिए? ठीक है आगे का प्रोग्राम बता, ऑफिस वापस आ रहा है या स्टेशन से सीधा गांव भाग रहा है? अरे मैं चीटर नहीं हूँ अकबर, जो भाग जाऊंगा। तू मेरी नागपाड़ा वाले ऑफिस में जा और देख वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है जाता मैं तेरे ऑफिस, ज्यादा मचमच दिखी तो भागता है वापिस। चल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूं यार, अच्छा फंसा शर्मिला ने। काट ओ सेट, एक कटिंग दो ना। अब ये कौन है? वहां जाकर बैठ। जगह नहीं है भैया जी। वो जगह खाली है। अरे उधर जाना, उधर जगह बैठ। सिर्फ चाय पियेंगे भैया जी, फिर चले जाएंगे। हैं? समझ में नहीं आता तेरे को? अब जा रहे ला है, ये एक और बजाऊं। चल भाग। ये हटना में बीच में कहां आ गया खजूर? ये सुंदरलाल आज का डेट में गॉड ऐसा नमूना पैदा करता है, इसको मिलने के बाद पता चला विलियम से मार खाने के पहले 2 बार थप्पड़ खा चुका था वो। निकल इधर से। चले हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा क्या? हट आगे से। भैया जी नमस्ते, हमारा नाम सुंदरलाल, गांव कचोली, जिला गोरखपुर। तो मैं क्या करूं भैया जी, नौकरी मिलेगा? एक और आ गया। नौकरी? जी सिर्फ 2 महीना के लिए, फिर हम गांव वापस चले जाएंगे। बस सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए? जी पैसा भी ज्यादा नहीं चाहिए, 2 महीने का 25,000 रुपया बस। 25,000 रुपये? 2 महीने का 25,000, 1 महीने का 12,500 रुपया हो गया। शायद उतना होता है। तो फिर ये भी बता दे भाई, तू काम क्या करेगा? कोई भी काम, झाड़ू कटका, कपड़ा धोना, कोई भी काम करूँगा। झाड़ू कटका पोछा? जी। 12,500 रुपये महीना? हाँ। अबे जी के बच्चे, इतना तो अम्मानी भी नहीं देगा। अब काम मार खाने वाला करेगा तो मार ही खाएगा ना। मैं पब्लिक लोगों को बाहर गांव भेजता हूँ। ये मेरा कार्ड है भाई, मैं तेरे पास कस्टमर लोग भेजेगा? लोगों को सुनाई नहीं देता क्या रे? ले टेंशन पे टेंशन। अरे तू किधर जा रहा है? साइड में झगड़े करो। चल ये तेरी टैक्सी पीछे ले चल। अरे चल रे साहब, लाइन में क्यों खड़े हो? हटाओ अरे तू निकल, अपना काम कर, टैक्सी हटा पहले चल। अरे हटाएं क्या पहले इनको सबको? खाली निकल यहां से, निकल। साला रात को 50 रुपए के लिए केचुआ बना रहता है और सुबह एनाकोंडा बन जाता है। हाँ भाई क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी हमें नौकरी चाहिए। अरे अरे यार, यहाँ सड़क पर भीख मिल जाती है, छोकरी मिल जाती, नौकरी वोकरी नहीं मिलती। ले भाई इसे। भैया जी हमें भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं दे रहा हूँ, दे मदद कर रहा हूँ। यहाँ पर एक टैक्सी वाला तेरी क्या मदद कर सकता है? 50 रुपए से ज्यादा औकात नहीं है, रख ले इसे तू। भैया तुझे भी नौकरी चाहिए? इसकी माँ का ना का, ये तुम लोगों का कोई गैंग बैंग तो नहीं है? बे मतलब साला एक को दिया तो दूसरा आ गया। भैया मैंने कहा टैक्सी
आपकी है? नहीं नहीं, तेरे बाप की है, खरीदेगा? भैया मैंने कहा मुझे अंधेरी उड़ जाना है, चलोगे? ये कौन सी जगह है बे? भैया जी हम तो यहाँ नए शहर में, हम कहाँ जाने? ये कौन सी जगह है बे? अंधेरी पू, एक मिनट, पू, हाँ पू के आगे वो और वो के ऊपर उल्टी डंडी का मात्रा। चुप, स्पीड ब्रेकर साले, एक ऊपर पू फिर डंडी फिर मल्टी फिर कल्टी फिर मात्रा, क्या समझा रहा है भैया जी? अरे तू रखना यार, एक आदमी से तो निपटने दे मुझे, आराम से समझाए। अंधेरी पुल कहाँ है? ये अंधेरी ईस्ट की बात कर रहा है। अंग्रेजी में ईस्ट और ऐसे बोलना। इसको अंधेरी ईस्ट जाने का है, पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ूंगा, फिर इसे अंधेरी ईस्ट छोड़ूंगा, यानी 500-600 की कमाई, यानी खत्म लड़ाई, बीबी को सीधे ले जाऊंगा सिनेमा हॉल। चल तू टैक्सी में बैठ, देख पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ने का है, उसके बाद तुझे अंधेरी छोड़ूंगा, ठीक? टाइम तो नहीं लगेगा? नहीं, फुट फुट फुट, दूसरी टैक्सी पकड़ ले ना। वैसे अंधेरी तक यहाँ से जाने में तुझसे 350-350 रुपये आदमी ले लेगा, मैं तुझसे 250 लेता हूँ, तेरी मर्जी, बैठना हो बैठ, नहीं तो फूट ले, दूसरी टैक्सी पकड़ ले। ठीक है भैया, चल चल बैठ 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 टैक्सी में भैया। अरे तू रखना मेरे भाया, 50 रुपया दिया, 500 का भाड़ा मिला, तू कल भी मिलना। भैया इसमें क्या लिखा है? अरे यहाँ नौकरी दी जाती है, देश विदेशों में भेजा जाता है, जा जा तुझे नौकरी मिल जाएगी। हाँ? जा संभालूं सारे बाबा। ये वामन डब्बा वाला, उस दिन इसको विलियम को डब्बा देने का था और डब्बे का पैसा भी लेने का था, ये भी इस स्टोरी का एक टेंशन देने वाला सफरचंद इडियट साबित हुआ। अरे देवा, अरे देवा, काय पाउस मचे, बंद है मालूम है, तभी तो घंटी मारता है, ताला लगा है। अरे चचा विलियम भाऊ अभी तक कॉलेज से आया नहीं लगता है। किसने बोला? देखा किसने खा लिया ना, तेरे को बताया था, अब निकल, निकल ऐसे, तेरे को तो इस महीने का पैसा नहीं मिलेगा, निकल। इचा मायला, ये भूकर पूरा टिफिन खा जाएगा, रे बाबा उठा ले। सला सला। विलियम का रिक्वेस्ट पर अकबर टोपी विलियम का ऑफिस गया और ऑफिस से मालूम पड़ा कि वीजा और बीसी वाला कस्टमर विलियम को ऑफिस में नहीं देख के उसकी अगेंस्ट फ्रॉड का केस रजिस्टर करने के वास्ते नागपाड़ा पुलिस स्टेशन गया होता तो ये स्टूपिड भी पुलिस स्टेशन गया, अगर नहीं जाता तो ये स्टोरी नहीं बनती। आगे होगा भाई, यहाँ पर बारिश हो रही है, हाँ अब अपने घर पे वहाँ पर क्यों नहीं हो रही है, मैं कैसे बताऊँ? अब जल्दी से बोल किस लिए फोन किया तूने, मेन बात पे आ जा। देख मैंने कैसे पहचाना तूने बीजी के पैसे के लिए फोन किया है। नहीं 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 नहीं, टेंशन टेंशन मत ले, मैं 3 बजे हावड़े छुट्टी लेके जाता हूँ, बीजी का पैसा लेके आता हूँ, शाम को हम मस्त की दागिना खरीदने जाएंगे। हाँ रख, अब रख, हमने बोला ना। काय परब, बाइको साठी दाग दागिने, लगता आज तुम्हारा बीसी का नंबर है। सर एक्चुअली ये कोमल बाई विलियम के फ्रॉड केस की विक्टिम, बाद में विलियम इसकी लालच का विक्टिम बना, बेवकूफ गड्ढा। गरीब औरत हूँ साहब, साहब मैं लोगों के घर में झाड़ू बर्तन पोछा करने का काम करती है साहब। साहब मैं अपने औरत को बाहर गाँव भेजना चाहती थी साहब, साहब एक एक पैसा जमा किया, एक एक पैसा जमा किया मैंने साहब, वो सारा पैसा उठाकर एक आदमी को दे दिया जो लोगों को बाहर गाँव भेजता है साहब। बना सुबह वो आदमी मेरा पैसा लेकर, इन सब का पैसा लेकर भाग गया साहब। क्या हुआ?
हम सबका पैसा लेकर भाग गया साहब। क्या नाम क्या था आदमी का? विलियम वीजा वाला। विलियम वीजा वाला? हाँ साहब। वो लंबे बाल वाला? हो साहब। वो जो बीसी चलाता है वो? हो साहब। जो माला डालेम के पास रहता है वो? हो साहब। जिसका ऑफिस यहाँ नागपाड़ा में वो? हो साहब। भाग गया? हाँ भाग गया साहब। पैसा लेके? हाँ साहब। क्या हुआ? अरे देखो पैसा कहाँ चला साहब। आ आ आ आ पानी दो। जो पानी लेकर आए साहब को बुलाओ। अरे साहब ना कैसा पानी। अरे इसको क्या हुआ साहब? कौन कहता है पुलिस वाले को गरीबों का दर्द का एहसास नहीं होता साहब? साहब हमारा दर्द सुनकर साहब के सीने में दर्द होने लगा साहब। अरे इसने विलियम की बीसी में सबसे बोली ज्यादा लगाई थी। हा? आज इसका बीसी का नंबर था, बहुत पैसा मिलने वाला था, अभी गया, सब पैसा गया। अभी इसकी बीवी इसको छोड़ेगी नहीं। अरे देवा करे भी का है? ये गाड़ी काट रहे। ओ साहब। पुअर फेलो, इंस्पेक्टर परब फालतू में हार्ट का पेशेंट बन गया और ऊपर से इस हार्ट पेशेंट का पेशेंस की वाट लगाने के लिए अकबर टोपी बारिश का मेंढक मतलब देड़का की माफिक उछलते उछलते और कूटते कूटते आ गया। सलाम साहब। कौन है तू? साहब अपन अकबर टोपी भिंडे बाजार में रहता है। तो मैं क्या करूं? फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।